अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव के हवाले से। ये सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर से भी है और ये फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री का भी है। ये टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डिफाइन करेंगे कि ये क्या चीज़ है, उसके बाद उसका पॉलिंग स्केल में जाके देखेंगे कि इसको मेजर करते हैं, किस तरह से मेजर करते हैं, और उसके बाद हम उसको पीरियडिक टेबल में पीरियड्स वाइज देखेंगे कि पीरियड वाइज इसका जो इसकी जो वैल्यूज़ है वो कम होती है या बढ़ जाती है, घटती है, और फिर ग्रुप में देखेंगे कि ग्रुप में इसकी वैल्यू कम होती है या ज़्यादा होती है। बस इतना सा छोटा सा टॉपिक होगा और एक ना एक कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ज़रूर हमारे पास आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, आपको समझाने के खातिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारे पास तीन एटम हैं, एटम ए बी सी, ठीक है। अब इनके सामने इधर इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा मैंने रखा हुआ है, इधर भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, इधर भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मैंने रखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये एटम अट्रैक्ट करता है तो कितना ज़्यादा इसको अट्रैक्ट करेगा। सपोज़ करते हैं कि इसको रखने के बाद हमारे पास क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया उसने, और इस एटम ने इलेक्ट्रॉन के जोड़े को यहाँ तक जो है डिस्प्लेस किया, अट्रैक्ट किया, और जबकि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन के जोड़े को यहाँ तक अट्रैक्ट किया। तो अब अगर आप देखें इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है अभी भी काफ़ी ज़्यादा फासला है, यानी एटम ने उसको तो अपनी तरफ खींच लिया लेकिन ज़्यादा नहीं खींचा। इस एटम ने इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ पुल तो किया, खींचा थोड़ा सा, उसके निस्बत थोड़ा ज़्यादा उसको पुल किया। तो अगर आप देख सकते हैं ये उसने बहुत ज़्यादा इसको पुल किया हुआ है उसके मुकाबले में। अब अगर आप यहाँ पे देखा जाए ना तो इसने बहुत ज़्यादा इसको पुल किया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज़्यादा उसने पुल किया हुआ है। तो अब हमें एक चीज़ नज़र आई कि एटम जितने पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींचने की मुख्तलिफ सलाहियतें रखती हैं। हर एटम की एक पहचान है, जब आप उसके सामने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा रखोगे तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा, ये होगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा हम उसको बोलते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और जो कम अट्रैक्ट करेगा हम कहते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन ये हुआ, किसी भी एटम का वो सलाहियत जिससे ये इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींच सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एनर्जी यहाँ पर नहीं है, जैसे कि हम आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ रहे थे कि वो एनर्जी वहाँ पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें भी एनर्जी का जिक्र आ रहा था, यहाँ पर हमें एज सच कोई एनर्जी का जिक्र नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता रियलिटी में जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं तो वहाँ पर बॉन्ड एनर्जी को ज़रूर शो करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी एक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रियल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करती है। बहरहाल इस डेफिनेशन में आपको कोई एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये एटम की सलाहियत है बस, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जाहिर है अगर आप कोई मॉलिक्यूल देखें, मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स अगर आप देखें, लेट्स सपोज मॉलिक्यूल है ए लिंक हुआ है बी के साथ और बी जो है वो सी के साथ लिंक हुआ है, ये एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में एटम आपस में जुड़े हुए हैं, जब एटम आपस में जुड़े हुए होंगे तो उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन ज़रूर होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मोस्टली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ रहे हैं ये बॉन्ड बनाते हैं। इस केस में अगर आप देखें
तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ये किसी एक एटम के ज़्यादा करीब होगा, दूसरे एटम से कम करीब होगा। तो इस तरह के सूरत हाल में, इस तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आ जाती है, ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक और मज़े की बात यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जब एटम ए और बी आपस में मिले हुए होंगे, सपोज़ करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है वो बी की तरफ ज़्यादा पुल हुआ है और ए की तरफ कम पुल हुआ है, तो इस तरह हम क्या कहेंगे कि इससे एक चार्ज डेवलप होता है जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ज़्यादा मूव करे उस पर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आ जाता है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा चला गया है पार्शियल पॉजिटिव और जिसकी तरफ आया है वो पार्शियल नेगेटिव। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ये फ़ायदा आपको पता चल गया। इसके अलावा भी हम देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और क्या फ़ायदा है। अच्छा, पाउलिंग स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऐसा कोई यूनिट नहीं है, जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखा किलो जोल था, आयोनाइजेशन एनर्जी में किलो जोल था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं है। अलबत्ता इनकी वैल्यूज ज़रूर होती है, इनकी वैल्यूज़ के लिए एक साइंटिस्ट है पाउलिंग। पाउलिंग ने एक स्केल बनाया, उस स्केल पर जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ रिकॉर्ड की गई है। वो स्केल कुछ इस तरह से है कि उस पर नंबर 0.7 से लेकर नंबर्स लिखे हुए हैं 0.8, 0.9, 1, 2, 3, 4, 5, 4 तक उस पे जो है नंबर्स लिखे हुए, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4। अब ये फ्रैक्शन भी हो सकता है 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 के बाद 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9 के बाद 3, 3.1, 3.2। तो एक स्केल बनाया हुआ है जिसपे मिनिमम वैल्यू जो है वो 0.7 के मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम जो है वो 4.0 की है। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है ये उन्होंने किसको दिया हुआ है, फ्रेंशियम को, ठीक है, जो पहला आपका ग्रुप है उसका बॉटम में जो एलिमेंट आ रहा है फ्रेंशियम, ये फ्रेंशियम को 0.7 की वैल्यू दी गई है और मैक्सिमम जो है वो फ्लोरीन को दी हुई, ठीक है। फ्लोरीन हेलोजिन जो ख़ानदान है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसका जो टॉप पे एलिमेंट है फ्लोरीन, उसका मैक्सिमम वैल्यू है 4.0। तो ये जो स्केल है ये पाउलिंग स्केल कहलाता है। इस स्केल की मदद से हम बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करके, रिलेट करके उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल देते हैं। निकालने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बॉन्ड एनर्जी से करते हैं, लेकिन आपके बुक में बॉन्ड एनर्जी का कोई जिक्र नहीं है, डायरेक्ट पॉलिंग स्केल है। तो इस स्केल के हिसाब से अब हम आपको और क्या बताने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज को फाइंड करने के बाद हम आपको ये बताएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हमें बताएगी ईदर क्या, हमें इंफॉर्मेशन हमें देगी, ठीक है, ईदर बॉन्ड कोवेलेंट होगा या आयनिक होगा, ठीक है। ये बात अभी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताती है। मिसाल के तौर पर अगर हम बॉन्ड बनाते हैं किसके बीच, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान अगर हम एक बॉन्ड बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड में देखेंगे, तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है 0.93, और क्लोरीन की कितनी है 3.16। अगर आप इन दोनों का माइनस लोगे, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे, तो इनका डिफरेंस जो है वो कितना आएगा, 2.23 आएगा, इनका डिफरेंस 2.23 आएगा। अच्छा, अब अगर आप CCl का ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन और क्लोरीन का अगर आप ले लोगे, कार्बन का जो है वो है 2.55 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जाहिर है ये पाउलिंग स्केल से आया हुआ है, और क्लोरीन का जो है वो है 3.16। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, माइनस करोगे, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.61।
इधर मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल में या एक कंपाउंड के अंदर अगर एटम्स आपस में बाउंड है तो आप उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख ले। अगर डिफरेंस ज़्यादा है, अगर डिफरेंस मोर डिफरेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा डिफरेंस वाले में अक्सर बॉन्ड आयनिक रहता है, आयनिक बॉन्ड रहता है। और जैसे जैसे आप देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो रहा है, जैसे कि 0.61, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये हमारे पास कोवेलेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की मदद से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई है किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर बॉन्ड आयोनिक होगा या कोवेलेंट होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दिखाता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, जितना ज़्यादा डिफरेंस है वो आयनिक बॉन्ड होगा, और जितना डिफरेंस कम होगा वो कोवेलेंट होगा। इसके अलावा अगर आप एक आम एटम को देखें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, वो मोस्टली मेटालिक होता है, उसके इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, उसमें करंट कंडक्ट हो सकता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है वो करंट को कंडक्ट नहीं कर सकता होगा, ऐसे जनरली हम ये कहेंगे। तो ये आपको मिल गई। अच्छा, अब हम लास्ट में आ जाते हैं। पीरियडिक टेबल में आपको पता है पीरियड्स हैं, जैसे कि ये इस तरह से लेफ्ट टू राइट आपका पीरियड है और ऊपर से नीचे आपका ग्रुप है। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ क्या हो रही है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ वो बढ़ती जाती है। लेट सपोज़ अगर आप सोडियम का कहते हैं मेटल, लेट सपोज ये एक एटम है, अगर मैं इसके अंदर सोडियम ना लिख दूँ, जस्ट लिख दूँ एटम ए, एटम बी, एटम सी, डी, ई, एफ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ कुछ इस तरह से, अगर इसकी एक है, अगर 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 इसकी 0.1 है तो इसकी 0.2 है, तो इसकी 0.3 है, तो इसकी 0.4 है, 0.5 एंड सो ऑन। मतलब इस तरह से अगर आप जाओगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाए। ये वैल्यू मैं जस्ट अपने आप से कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसका रियल वैल्यू निकालोगे तो वो रियल वैल्यूज़ में भी इस तरह से इंक्रीज होती हुई नज़र आएगी। मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इस कि आप पीरियड में जाओगे तो वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न आपने सिर्फ एक निकला है, बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। बस ये एक लाइन में इसका रीज़न है, सॉरी एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। हाँ, यहाँ पर क्या लिखे, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और ये हम आपको बता चुके हैं कि पीरियड में एटॉमिक साइज जो है वो कम होता जाता है। इसी तरह से अगर आप ग्रुप वाइज देखोगे, ग्रुप वाइज अगर देखा जाए तो ग्रुप में फिर इस तरह से है कि अगर स्टार्ट में एक एटम का साइज इतना है, नीचे आओगे तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, और अगर आप और नीचे आओगे तो उसका साइज उससे भी बड़ा होगा। तो ग्रुप वाइज जो है वो साइज बढ़ जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब कम होती जाएगी, ठीक है। सो ग्रुप वाइज हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप वाइज रीज़न ये होगा बिकॉज, यहाँ पर हमारे पास रीज़न ये होगा बिकॉज साइज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अच्छा, तो इसका रीज़न आ जाएगा, दैट्स वाई। अब एक बात आप दोबारा याद रखिएगा कि ये वैल्यूज जो है ना वो अक्सर आते हैं कि पीरियडिक टेबल में सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो फ्रेंशियम की है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फ्लोरीन की है। तो इसके साथ ही एक थोड़ा सा एक दोबारा से मैं आपको इसके वो बताता हूँ, समरी बताता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। किसी भी एटम, कोई भी एटम पीरियडिक टेबल में आप ले लें, उसकी एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट करे, ज़्यादा या कम अट्रैक्ट करता है, ये एबिलिटी को वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं है, अलबत्त इसकी वैल्यू ज़रूर होती है। उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें से पाउलिंग ने एक स्केल बनाया था जिसकी मिनिमम रेंज 0.7 से स्टार्ट होकर के 4.0 पे ख़त्म होता है। 0.7 फ्रेंशियम के लिए है और 7 जो है वो फ्लोरिन के लिए है। इस स्केल के मुताबिक हम पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज फाइंड करते हैं, और पीरियडिक टेबल में हर एलिमेंट की अपनी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मौजूद है। जैसे कि व्हाइट बोर्ड पर मैंने आपको कार्बन की, क्लोरीन की, सोडियम को इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बता दी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का फ़ायदा क्या होगा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर 1, हमें ये बताते हैं कि आया कोई किसी मॉलिक्यूल के अंदर
किस एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। आपने देखा होगा मॉलिक्यूल के अंदर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वो इसकी वजह भी मैं बता चुका हूँ। किसी जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ज़्यादा चला जाए, जिस एटम की तरफ, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियल पार्शियल नेगेटिव, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा चला जाए उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके अलावा कोई बॉन्ड आयनिक का या कोवलेंटों का, उसका भी हमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बताती है। अगर दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, वो क्या होगा, वो आयनिक होगा। और अगर ये डिफरेंस कम है तो वो क्या होगा, वो कोवलेंट होगा। इसके अलावा लास्ट में हमने पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज देखी कि आया वो ग्रुप में कम हो रहा है या पीरियड में, तो हमने देखा कि वो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बढ़ रही होती और ग्रुप में वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ जो है वो कम हो रही है। इस तरह हमने एक रिलेशन भी डेवलप किया, वो है क्या, एटॉमिक साइज का, एटॉमिक साइज का जो रिलेशन है किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज के साथ। यहाँ पर हम एक बात आपको बताएंगे कि एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान रिलेशन डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, अगर एटॉमिक साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। तो असल में जब हमने देखा कि एटॉमिक साइज जब कम हो रहा था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही थी, ये हमने देखा था। जब आपको दो चीज़ों के दरमियान इस तरह का ताल्लुक मिल जाए कि एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऐसे केस में हम यूँ कुछ इस तरह लिखेंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इज इक्वल टू 1/ एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज को आप लाइन के नीचे लाओ तो यहाँ पर आप ये वाला निशान भी लिख सकते हैं। अब जो है, अब इसके दरमियान जो है वो इनवर्स रिलेशन आएगा, इनडायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन। ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन भी आप उसको बोल सकते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, इससे भी एक एमसीक्यूज बन सकता है। छोटा सा टॉपिक था, बड़ा आसान था। इंशाल्लाह नेक्स्ट केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह आपको मजीद आइडियाज़ देते जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि फलाना लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते, उसमें कोई शक नहीं है। उसके साथ ही बेल वाला एक घंटी का एक आइकन है, उसको भी आप दबाया करें, फिर उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। ठीक है, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।